Sense and Blocks. दोस्तों आज मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाला हूँ, तो आज का ब्रेकफास्ट मेनू मैंने डिसाइड किया वो पोहा है। तो पोहा कैसे बनाता है वो आप लोगों को मैं दिखाएगा हम लोगों का स्टाइल से, तो आप लोग वीडियो को देखते रहो। और पोहा बनाने में कम से कम 10 मिनट लगेगा, तैयार करने का थोड़ा टाइम लगता है इसलिए, लेकिन जब पोहा बनाता है इतना टाइम नहीं लगता है जैसा दूसरा ब्रेकफास्ट बनाने में लगता है। तो आप लोग भी वीडियो को देखकर हम लोग कैसा पोहा बनाता है अप्लाई करेगा अप्लाई कर सकता है, तो देखते रहो। और जो भी मेरा व्यूअर्स है मेरा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और जो चैनल में नया है उसको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ताकि आप और कॉर्नर में बेल आइकन है उसको दबा दो ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और जो भी वीडियो बनाएगा मैं उसको आप पहले देख सको। तो वीडियो को देखते रहो एंड तक, कैसा बनाता है आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं ब्रेकफास्ट जल्दी करना है तो चलो दोस्तों मैं अभी पोहा बनाने वाला हूँ किचन में। कुछ बोलेंगे पोहा बना रहे हो? हाँ मैं ऑलरेडी जो भी डालना था वो फ्राई करके ला रहा हूँ। देखो ये वाला आपकी तरफ पड़ना चाहिए। इधर क्या क्या डाला इसमें? इसमें मैंने मिर्ची डाला हाँ। और थोड़ा पेस्ट डाला, थोड़ा कोकोनट ड्राई डाला, ड्राई कोकोनट, उसके बाद मैंने छाना डाला, बादाम नहीं डाला, बादाम बादाम नहीं डालेगा अभी, बादाम नहीं डालना है आपको, थोड़ा अच्छी तरह फ्राई करके लेना है। अभी इसमें मैं अभी नमक डालेगा थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा डालना है, बाद में टेस्ट खा कर भी डाल सकते हैं हम लोग। और हल्दी डालना है, हल्दी थोड़ा पकने दो, इसके बाद हल्दी डालेगा मैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा भी डालना है हल्दी भी, और यहाँ चीनी डालना है, ये खाए बना रहे हैं ब्लैक टी पोहा के साथ, पोहा के साथ ब्लैक टी खाने को बहुत पसंद है, अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, ज़्यादा चीनी खाने से डायबिटीज होता है इसलिए हम लोग ज़्यादा नहीं देता, थोड़ा सा देता है। जिसको भी और चीनी चाहिए बाद में ले लेते हैं। और ये थोड़ा सा पत्ता डाल रहे हो, ये होने वाला जैसे लग रहा है और थोड़ा होने वाला है, पानी हम लोग पोहा इधर डाल सकता है। ये जो काजू नहीं दे रहा है इसलिए थोड़ा सा देने से होता है, ज़्यादा देने से वो टिका हो जाता है। हल्दी डालेगा इधर, हल्दी होने वाला है, प्याज जो है वो थोड़ा पक गया, वो डालने वाला है अभी मैं ये डालने वाला हूँ पोहा। मैं सब डाल देगा, कम हुआ तो थोड़ा और देना
इसको थोड़ा लो फ्लेम में कर रहा हूँ। इसके बाद अभी ये डाल रहा है बादाम, बादाम को फ्राई तो हो गया, लेफ्टी हो गया मेरे पास। ये सब डाल देगा मैं, ये ऑलरेडी रोस्टेड बादाम है, इसमें और करी पत्ता डालने को मिलता है और भी अच्छा होता है ये पोहा हम लोगों के लिए। मेरा घर में करी पत्ता अभी तक पिसा नहीं है, इसलिए हम लोग एडजस्ट कर रहा हूँ। तो स्पून किधर है, मैं थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। थोड़ा नमक और सही है, मम्मी को बुलाओ खाने के लिए। मुझे पता जाता होगा पुलाव हो गया हम लोगों का खाने के लिए, इसका हो गया। निकाल सकता है अभी